सोमवार दोपहर तक जहां शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा रिजल्ट को अस्थायी तौर पर स्थगित करने के समाचार मिल रहे थे, तो वहीं देर शाम शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत स्कूली बच्चों की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पॉलिसी के तहत अप्रैल 2021 की 10वीं कक्षा के रेगुलर एडमिशन सब्जेक्ट और कंपार्टमेंट परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम सोमवार देर शाम घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि उक्त परीक्षा के छात्रों की कुल संख्या 1,16,784 थी, जिनमें से 1,16,286 छात्रों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित पॉलिसी के अनुसार घोषित परीक्षा परिणाम के दृष्टिगत इच्छुक छात्र इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस की परीक्षा भी देने का पात्र होगा। ऐसे छात्रों की परीक्षा के संचालन हेतु अलग से तिथियां निर्धारित की जाएंगी। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल के 357 मेल और 953 फीमेल छात्र इस परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण हुए हैं। उन्होंने बताया कि जो बच्चे कोविड के चलते अपना हिंदी का पेपर नहीं दे सके थे, ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा बोर्ड कार्यालय में 12 जुलाई को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक पेपर देने का प्रावधान भी किया गया है। बच्चे रह गए हैं उसमें कितना? आज 10वीं का परिणाम निकला है और आप सभी जानते हैं कि कन्वेंशनल मेथड के आधार पर इस वक्त एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया गया था जो कि बहुत जुडिशियस था, एकेडमिकली बहुत वायबल था, तो वो बनाया, उसके आधार पर ये रिजल्ट दिया गया है। इस वर्ष 10वीं का रिजल्ट जो निकला है ये 99.7% रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। यदि 2020 का देखें तो 68.11 था और 2019 का 60.79 था, तो इस वक्त बेहतर रिजल्ट है। चाहे बिलो एवरेज बच्चा है, चाहे एवरेज बच्चा है, चाहे मेरिटोरियस बच्चा है, सबके अंक बढ़े हैं और संख्या भी ज़्यादा बच्चों की उसमें आई है। जो परिणाम जिनका जो बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए थे, ग्रेड बी कोर्ट में हुई थी, क्या मामला है और आगे की क्या प्रोसेस है? हाँ, माननीय उच्च न्यायालय शिमला में एक मामला आया था, बच्चा जिसका ग्रीवांस था कि मैं कोविड के कारण हिंदी का पेपर नहीं दे पाया, तो उसको तो हमने मिनिमम अंक देके पास कर दिया था उस केवल एक पेपर में जो जहाँ पीर नहीं आया, बाकी उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर एक्चुअल अंक लगे हैं। तो ये कह रहा था कि हमें और मेरिटोरियस बच्चा, ऐसा वो कह रहा था, तो उस बच्चे के ग्रीवांस को हमने पहले ही दूर कर दिया था और हमने कहा था कि जब भी कंडूसिव कंडीशंस होंगी, कोविड की नहीं रहेंगी, तो पेपर उसका ले लेंगे बच्चे का और साथ में फिर रिजल्ट उसका डिक्लेयर करेंगे और बढ़ जाएंगे नंबर तो उनको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। लेकिन आज ही हमने नोटिफिकेशन जारी की है और उस नोटिफिकेशन के अनुसार हम जल्दी उनका स्पेशल एग्ज़ाम करेंगे ऐसे बच्चों का, कोविड के, चाहे वो 12वीं के बच्चे हैं या 10वीं के। 12 जुलाई को वो एग्ज़ाम हमने रखा है, वो एग्ज़ाम बोर्ड के मुख्यालय में होगा 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। कोई मेरिट लिस्ट कब तक निकाली जाएगी सर? मेरिट लिस्ट अभी जो मेरिट लिस्ट को निकालने के लिए थोड़ा रेस्ट्रेन किया है और तो मेरिट लिस्ट अभी जारी नहीं होगी और जैसे ही बच्चों के ये पेपर ले लिए जाएंगे स्पेशल एग्जाम, तो एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट हम निकालने का प्रयास करेंगे। और जब कुछ बच्चे यदि इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर अंक जो उन्हें मिले हैं उससे सहमत नहीं होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो उनको अगस्त या सितंबर के महीने में एक चांस दिया जाएगा और उसके बाद जो उनके अंक आएंगे उसके आधार पर उनकी परफॉर्मेंस में जोड़े जाएंगे और फिर अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाए। जो जिनकी परीक्षा होगी उनको किस आधार पर जो है परीक्षा में बैठने दिया जाएगा? क्या सर्टिफिकेट उनसे लिया जाएगा कोविड का या किस तरह से? हाँ, तो इसके लिए आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसकी कॉपी आप ले सकते हैं। हमने ये कहा है कि ऐसा बच्चा जो 13 तारीख को कोविड यदि इन्फेक्टेड है तो ऐसी मेडिकल अथॉरिटी से वो अपना सर्टिफिकेट ला सकता है और उसको हम चांस देंगे, वो अपीयर हो जाए।